यहाँ भी है ये देख सकते हैं, यहाँ भी है दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ भी है ये देख सकते हैं। खड़हर के नाम से ज्यादातर जानते हैं, हमारे पूर्वज के लोग भी खड़हर के नाम से जानते हैं। तुरंत ही टाइफाइड मलेरिया जैसे बुखार दूर होता है इस असर। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अभी सुबह का 6 बज रहा है और सभी लोगों को मेरे ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज का मौसम और यहाँ का नज़ारा का बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी खूबसूरत आज का मौसम है देख सकते हैं। और कल से बारिश नहीं हो रहा है दोस्तों, तो कुछ आज मौसम अच्छा है देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मौसम है आज का। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं ऐसा दिव्य पौधा के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा जिससे कि टाइफाइड बुखार होने से पैरों में दर्द, शरीरों में दर्द और सिर में दर्द और अचानक बुखार हो जाने के कारण कौन सा पौधा का उपयोग कर सकते हैं, उस पौधा का जड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक और चलते हैं दोस्तों इस साइड जो है अभी जाएंगे और ढूंढेंगे उस पौधा को और उस पौधा का जड़ का उपयोग करते हैं, पौधा किस प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें कंटिन्यू। और ले लेता हूं दोस्तों मैं फावड़ा, क्योंकि फावड़ा से अभी फोड़ेंगे है ना। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और चलते हैं जंगल की ओर। तो ले लेता हूँ मैं फावड़ा क्योंकि अभी बरसात का मौसम है दोस्तों, तो मिट्टी भी गीला है तो कोड़ने में भी आसान होगा। और दोस्तों यहाँ से मैं निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ जंगल की ओर, देख सकते हैं काफ़ी घना जंगल है। और यहाँ पर दोस्तों यदि मिल जाए तो यहाँ पर ढूंढता हूँ और ढूंढ के आप लोगों को दिखाता हूँ। टाइफाइड मलेरिया जैसे बुखारों को जो है दूर करता है दोस्तों वो औषधि पौधा। तो चलिए ढूंढ कर देखते हैं, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, शायद मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए ढूंढ कर देखते हैं, यहाँ पे मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है, पर नहीं मिलेगा तो दूर जाना पड़ेगा मेरे को। तो दोस्तों वो पौधा जो है मेरे को यहाँ पर मिल चुका है, देख सकते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं वो पौधा कुछ इस प्रकार का होता है पौधा, हल्का हल्का कांटा होता है दोस्तों इसका तना में, ये देख सकते हैं छोटा छोटा कांटा होता है। यही वो दिव्य पौधा है दोस्तों टाइफाइड मलेरिया, जिससे बुखार को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका पत्ता होता है और इसका जड़ का उपयोग करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा बहुत ही फायदेमंद पौधा है ये, बुखार के लिए टाइफाइड के लिए काम आता है। और दोस्तों यदि टाइफाइड हो जाता है तो बुखार का अचानक शरीर में चढ़ना और साथ ही साथ शरीर में दर्द होना और सिर में दर्द होना ये कॉमन सी बात हो जाता है, बहुत ही अचानक बुखार होने लगता है, तो उस समय दोस्तों इस जड़ का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसको जो है कोड़ लेते हैं और कोड़ कर कैसे इसका सेवन किया जाता है तो सारा चीज़ आज का वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इसको जो है फटाफट मैं कोड़ लेता हूँ दोस्तों। और यहाँ भी है दोस्तों देख सकते हैं, और यहाँ भी है ये देख सकते हैं, ये बहुत ही लाभकारी पौधा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ भी है ये देख सकते हैं। और दोस्तों इसका नाम जो है गांव ग्रामीण भाषा में खड़हर के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, हमारे पूर्वज के लोग भी खड़हर के नाम से जानते हैं, तो हम लोग अपना गांव ग्रामीण भाषा में दोस्तों इसको खड़हर कहते हैं। और आप लोग यदि जान रहे हैं इस पौधा के नाम तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और हम लोग अपने गाँव ग्रामीण भाषा में दोस्तों इसको खड़हर कहते हैं। तो चलिए इसको कोड़ लेते हैं दोस्तों, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा से भी जानते भी होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं है ना। तो चलिए इसको कोड़ लेते हैं, और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, दाल और चावल लेकर जरूर आए, और मेरे पास अभी दाल और चावल नहीं है तो मैं दाल और चावल लेके नहीं आया हूँ। और इसका कोड़ने का विधि यही होता है कि दाल और चावल लेके अवश्य आए और जड़ी को महादेव के नाम से कोड़े, तो इसका जड़ को निकालूंगा जड़ को दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों इसका जड़ कुछ इस प्रकार का जड़ होता है ना। तो चलिए दोस्तों इसको जो है ले जाता हूँ और इसका
उपयोग कैसे करते हैं तो सारा चीज आज का इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। पानी है दोस्तों, यहाँ पे मैं धो लेता हूँ इसको अच्छा से। इसका जड़ का ही उपयोग करें दोस्तों, इसका जड़ का उपयोग किया जाता है, हम लोग स्वयं करते हैं। और इसका नाम आप लोगों को बता ही दिया हूँ, खड़हर के नाम से ज़्यादातर गांव देहात के लोग जानते हैं। और आप लोग किस नाम से जानते हैं कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। देख सकते हैं इसका जड़ कुछ इस प्रकार का होता है, ये देख सकते हैं। और इसका प्रकार का इसका पत्ता होता है और हल्का हल्का छोटा छोटा इसमें कांटे होते हैं, ये देख सकते हैं कांटे यहाँ पे है हल्का हल्का। तो चलिए इसको जो है कूट लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं कूट पीसने के लिए ले लिया हूँ पत्तल और सील ले लिया, सील लोढ़ा बोलते हैं गांव देहात में दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा इसको धो लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि हल्दी मसाला इसी से पीसा जाता है ना, तो थोड़ा सा धो लेते हैं। तो इसका जड़ को मैं काट लेता हूँ। ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी जड़ी बूटी का सेवन करेंगे किसी भी बीमारी में, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका छाए कूटते समय इस जड़ी बूटी में नहीं पड़ना चाहिए और पीछे साइड आपका छाया पड़ना चाहिए। तो चलिए मेरा अभी जो है सूर्य इस साइड जो है उग रहा है, तो मेरा छाया जो है पीछे की ओर पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं जो है कूटता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी मोटा इसका जड़ होता है, ये देख सकते हैं। इसको जो है मैं नहीं डालूँगा, इसका छाल का को डालूँगा। महादेव का जड़ी बूटी है दोस्तों, महादेव के नाम से जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, बहुत ही फायदेमंद ये औषधि है बुखार के लिए। तो देख सकते हैं मैं कूट लिया हूँ, ये देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों मैं डालूँगा, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे दोस्तों। दवा जो है कुछ इस प्रकार का हो गया है, ये देख सकते हैं। तो इसको कपड़ा से छान लीजिएगा या छन्नी से छान लीजिएगा दोस्तों। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति शराब पी रहा है तो हल्का सा शराब लीजिएगा, और शराब में भी मिला के पिला सकते हैं उस व्यक्ति को, जिसको भी टाइफाइड मलेरिया जैसे बुखार है, हाथ पैर में दर्द होता है और सिर में अचानक दर्द होता है, अचानक से बुखार हो जाता है, तो टाइफाइड होने का फुल चांस रहता है। तो उस चीज़ में जो है इसको प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका सेवन कुछ इसी प्रकार का कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग सेवन करिएगा, है ना। और दोस्तों इसका बहुत ही फायदा होता है बुखार में, और बुखार के लिए बहुत ही रामबाण दवा है दोस्तों। ये दिव्य पौधा खड़हर के नाम से जानते हैं इस दिव्य पौधा को। और कुछ इसी प्रकार से कूट पीस कर सेवन करें, और देखिएगा दोस्तों टाइफाइड मलेरिया जैसे बुखार जो है तुरंत ही कंट्रोल होने लगता है। काहे कि टाइफाइड हो जाता है तो अचानक शरीर में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है टाइफाइड होता है, तो मलेरिया जैसे बुखार को जो है कंट्रोल करने में मदद करता है ये जंगली जड़ी बूटी, बहुत ही अच्छा दिव्य औषधि पौधा है। गांव देहात में दोस्तों इसको खड़हर के नाम से जानते हैं। और देख सकते हैं फिर से इसका पत्ती कुछ इस प्रकार का होता है, और जड़ को मैं अभी जो है कूट पीस कर मैं पी लिया हूँ, है ना। और जब भी जंगली जड़ी बूटी का यदि दवा का सेवन कर रहे हैं किसी भी बीमारी में, तो जो दवा दिखाया गया है उसको पी कर दिखाया गया है उसी का सेवन करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही फेक वीडियो बना रहे हैं जंगली जड़ी बूटी को लेकर, है ना। तो दोस्तों इस ये जो पौधा है बुखार के लिए रामबाण दवा है, टाइफाइड मलेरिया जैसे बुखार को जो है कंट्रोल करने में मदद करता है, और बहुत ही अच्छा बहुत ही लाभकारी ये दिव्य पौधा है।
और दोस्तों आज का वीडियो यदि पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों अपना यार दोस्त तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी भी दोस्त यार को यदि टाइफाइड है, बुखार, और उसका शरीर में जो है दर्द होने लग रहा है और साथ ही साथ सिर में दर्द होने लगता है, तो उस समय में इसका उपयोग अवश्य करके देखें। तुरंत ही कंट्रोल होता है दोस्तों, बुखार के लिए ये दवा है। तो दोस्तों इसका फ़ायदे के बारे में आप लोगों को बता ही दिया हूँ, और फिर से देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार का इसका पत्ता होता है। जड़ का उपयोग करें और टाइफाइड बुखार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टाइफाइड जो है इसका सेवन करने से तुरंत ही कंट्रोल होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है। जब टाइफाइड हो जाता है उस समय दोस्तों मलेरिया जैसे बुखार को जो है कंट्रोल करने में मदद करता है इस दिव्य पौधा, है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा, आज का वीडियो यदि पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों अपना यार दोस्त तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी भी भाई को यदि टाइफाइड बुखार हो गया है, मलेरिया हो गया है, उस बुखार में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा, बहुत ही काम का ये पौधा होता है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगला ब्लॉग वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो अपना यार दोस्त तक शेयर ज़रूर करें। तो बाय बाय मेरे दोस्तों।